बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दौर हाजिर के फितने। यजीद बिन उमैर जो हज़रत माज़ रज़ी अल्लाह तआला के शागिर्द थे, फरमाते हैं कि हज़रत माज़ रज़ी अल्लाह तआला जब भी वाज़ के लिए बैठते ये कलिमा ज़रूर फरमाते, अल्लाह ताला फ़ैसला करने वाला, इंसाफ करने वाला, शक में पड़ने वाले हलाक हुए। एक दिन हज़रत माज़ रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया, तुम्हारे बाद बहुत से फितने पैदा होंगे। इस ज़माने में माल बहुत होगा और क़ुरान हर एक के लिए खुला हुआ होगा, जिससे मोमिन भी दलील पकड़ेगा और मुनाफिक भी, मर्द भी दलील पकड़ेगा और औरत भी, बड़ा भी और छोटा भी, ग़ुलाम भी और आज़ाद भी। बईद नहीं कि कोई कहने वाला ये कहे, क्या बात है, मैंने क़ुरान पढ़ लिया फिर भी लोग मेरी पैरवी नहीं करते। लोग मेरी पैरवी नहीं करेंगे जब तक कि मैं उनके सामने कोई नई बात पेश ना करूँ। हज़रत माज़ रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया, बस दीन में जिद्दत तराजी से बचते रहना, क्योंकि ऐसी जिद्दत यानी नई बात गुमराही है। और मैं तुम्हें आलिम की लग्ज़िश से डराता हूँ, क्योंकि शैतान कभी गुमराही की बात आलिम के मुँह से कभी निकलवा देता है, और कभी मुनाफिक आदमी भी सच्ची बात कह देता है। रावी कहते हैं, मैंने कहा, हज़रत मुझे कैसे पता चलेगा कि साहिब इल्म ने गुमराही की बात कही और मुनाफिक के मुंह से कलिमा हक निकला। आखिर हक व बातिल की शनाख्त का मेयार क्या होगा? फरमाया, हाँ मैं बतलाता हूँ। साहिब इल्म के ऐसे मुश्तबे बात से परहेज़ करो जिसके बारे में आम अहले इल्म की जानिब से कहा जाए कि क्या बात हुई। ऐसी सूरत में समझ लो कि यह बात गलत है, लेकिन सिर्फ इस गलती की बिना पर तुम्हें इससे बरगश्ता नहीं होना चाहिए, क्योंकि शायद वो अपनी गलती से रुजू कर ले। हाँ, हक वाज़े हो जाने के बाद भी वो अपनी गलती पर इसरार करे तो ऐसा शख्स आलिम ही नहीं बल्कि जाहिल है। और हक बात ख्वाह किसी से सुनो, इसे कबूल कर लो, क्योंकि हक पुरनूर होता है। इस हदीस को अबू दाऊद ने अपने सुनन में नकल किया है। हज़रत माज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह तआला जो फ़ुकहाए सहाबा में से थे, उन्होंने एक मौके पर खुतबा दिया और इस खुतबे में चंद अहम बातें बयान फरमाई हैं। पहली बात, एक तो ये फरमाया कि क़ुरान की तालीम आम हो जाएगी और मोमिन और मुनाफिक, मर्द और औरत, छोटे और बड़े, ग़ुलाम और आज़ाद, सब उससे अपने अपने अंदाज से दलील पकड़ेंगे। ज़ाहिर है कि जब सभी को क़ुरान का इल्म है तो किसी की इत्तेबा व पैरवी क्यों करें। हज़रत माज़ रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि इस सूरत हाल में कुछ लोग यूँ कहेंगे कि मैंने क़ुरान पढ़ा है मगर लोग मेरी इत्तेबा नहीं करते, इसलिए अब मैं कुछ नई नई बातें पेश करूँगा तो तब लोग मेरी इत्तेबा करेंगे। क्योंकि आम लोग नई बात की तरफ लपकते हैं, और जब कोई शख्स कोई नई बात पेश करता है तो उसकी तरफ लोगों का मेलान और रुझान ज़्यादा होने लगता है। जो आम उलमा को जो दीन की सीधी सादी बातें और वही पुरानी बातें बयान करते हैं, उनको लोग खातिर में नहीं लाते और यूं कहते हैं कि ये तो बस पुरानी बातें ही बयान करते हैं। हज़रत माज़ रज़ी अल्लाह ताला ने इस फितने की तरफ मुतवज्जा किया और फरमाया कि बिदअत से बचो, क्योंकि वो ज़लालत है। हज़रत माज़ रज़ी अल्लाह ताला की ये बात हर्फ ब हर्फ पूरी हो रही है। क़ुरान की तालीम अगरचे महज ज़ाहिरी तौर पर हो, पहले के मुकाबले में आम हो रही है, और हर कस व नाकस इससे इस्तेदलाल करने और अपने अपने मतलब की बात निकालने की कोशिश में लगा हुआ है। और फिर बाज़ शहरत पसंद उलमा और जाह के प्यासे लिखे पढ़े लोग आवाम को अपनी तरफ माइल करने के लिए कुछ नई नई बातें, अजीब तहकीकात और इनकशाफात लोगों के सामने लाते हैं, जिनको दलील की कोई रोशनी हासिल नहीं होती। याद रखना चाहिए कि ये सब गुमराही की बातें हैं। दूसरी बात, फिर इसके बाद हज़रत माज़ रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैं तुमको आलिम की लग्ज़िश से डराता हूँ, क्योंकि शैतान कभी आलिम की ज़बान से कलिमा ज़लालत कहता है और मुनाफिक भी हक बात कह देता है। लिहाजा जब बात आलिम की हक हो और दलील की बुनियाद पर हो, काबिल कबूल होगी, और जो ऐसी ना हो वह काबिल रद्द होगी। तीसरी बात, हज़रत माज़ रज़ी अल्लाह ताला के शागिर्द यजीद बिन उमैर रहमतुल्लाहि अलैह जो इस रिवायत के रावी हैं, फरमाते हैं कि मैंने सवाल किया कि मुझे फिर कैसे पता चलेगा कि आलिम ने गुमराही की बात कही है और मुनाफिक ने हक की बात कही है, मैं दोनों में किस तरह इम्तियाज़ करूँगा। यह बड़ा अहम सवाल है जिसका समझना हम सब के लिए ज़रूरी है, क्योंकि जब आलिम की ज़बान से कभी गुमराही की बात निकल सकती है तो इसके
पहचानने का कोई मेयार भी होना चाहिए। इसलिए यजीद बिन उमर रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत माज़ रज़ी अल्लाह तआला से सवाल किया। इस पर हज़रत माज़ रज़ी अल्लाह तआला ने अजीब बात फरमाई कि आलिम के ऐसे मुश्तबे बात से बचो जिसके बारे में यूं कहा जाए कि क्या बात है, यानी आम उलमा ज़माना इस पर नकीर करें और इसकी तस्दीक व तायद ना करें और इसको दुरुस्त ना समझें, तो तुम समझ लो कि ये बात सही और दुरुस्त नहीं है, लिहाजा इससे बचो। यह अजीब उसूल है और वाकई सही और माकूल उसूल है कि आम तौर पर उलमा जो बात कहें वह काबिल कबूल होना चाहिए और जिसको आम तौर पर काबिल नकीर समझें और जिसकी तायद व तस्दीक ना करें वह काबिल रद्द होना चाहिए। अगर इस उसूल पर लोग गामजन हो जाएं तो बहुत सी गुमराहियों का दरवाज़ा ही बंद हो जाएगा जो आज माशरे में बाज़ दुनिया परस्त उलमा उसूल की जानिब से फैलाई गई हैं और बाज़ जाहिल लोग यह समझकर इनको कबूल कर लेते हैं कि एक आलिम की कही हुई बात है, अगरचे आम तौर पर हज़रात उलमा इस बात को गुमराही करार देते हैं। अगर माज़ रज़ी अल्लाह तआला के बताए हुए इस उसूल पर अमल कर लिया जाए तो इस किस्म की सारी गुमराहियों का सद्देबाब हो जाए और इसी से मसला भी हल हो गया कि बाज़ मक्कार किस्म के पीर व मशाइख लोगों को तसव्वुफ़ व हकीकत मारिफत के नाम पर गुमराह में मुबतला करते हैं और बेचारे आवाम सिर्फ दीन की मोहब्बत में और अल्लाह के रास्ते की तलब में इनके जाल में फंस जाते हैं। ऐसे लोगों को इस उसूल पर अमल करते हुए सोचना चाहिए कि हज़रात उलमा जो दीन के ज़ाहिर व बातिन दोनों से आरास्ता हैं वो इस किस्म की पीरों के बारे में क्या कहते हैं, बस इसी को इनके बारे में फ़ैसला कुन बात समझना चाहिए। आगे फरमाया कि ऐसी गुमराही की बात कहने के बावजूद इस आलिम से अलग ना हो जाओ बल्कि ये देखो कि रुजू करता है या नहीं, अगर अपनी ग़लती से रुजू कर लिया तो बहुत खूब, क्योंकि आलिम से लग्ज़िश होना कोई अजीब बात नहीं बल्कि इंसान होने के नाते इससे लग्ज़िश का सुदूर हो सकता है। हाँ, लग्ज़िश के बाद वो रुजू ना करे और इस पर इसरार करे तो वो अब काबिल एहतराम ना रहेगा। मालूम हुआ कि उलमा को अपनी ग़लती से रुजू करने में पसोपुष्ट ना करना चाहिए बल्कि उनके हक़ में मज़ीद फजीलत का सबब बनेगा। अब ज़रा गौर करें कि जब आलिम से भी लग्ज़िश हो सकती है तो गैर आलिम से बदरजा औरा हो सकती है और इसको भी अपनी लग्ज़िश से बाज आने की फ़िक्र करना चाहिए, मगर अफसोस के आज ऐसे ऐसे जाहिल मौजूद हैं जो दीन में राय देते और ग़लती पर तंबीह के बावजूद अपनी ग़लती पर इसरार करते हैं। अल्लाहुम्मा हफ़ज़ना मिन्हु।